चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी स्टूडेंट की लास्ट क्लास है, ठीक है। थोड़ी सी लगेगी, दो तीन क्वेश्चन करने, छोटे छोटे से ना। ये क्वेश्चन अपने दो नंबर में आ सकते हैं। कितने नंबर में? दो नंबर में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स बी डैस ए वी विषम सममित है यदि ए क्या है विषम सममित, ठीक है। ये हमको बताना है कि बी डैस ए वी क्या है विषम सममित, जब कब ए क्या हो ए विषम सममित हो, दो पॉइंट मैंने, ठीक है। या फिर इंग्लिश में लेते हैं प्रूफ है, मैट्रिक्स बी डैस ए वी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, हमको ये बताना है बी डैस ए वी है वो स्क्यू सिमेट्रिक है यदि ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको ले लो, गिवन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले देता हूं मैं, ए सम विषम सममित आदमी विषम सममित आदमी है, ठीक है। ये क्या है विषम सममित है, तब देन तब क्या होता है एड इज इक्वल टू माइनस ए होता है, ठीक है भाई। यही तो है कंडीशन, अगर ए का डैश निकालो और लौट के वही आए तो सममित, माइनस वो आए तो विषम सममित, यानी कि एड इज इक्वल टू अगर ए होता है तो क्या होता है सममित यानी कि सिमेट्रिक, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है तो क्या होता है विषम सममित यानी कि इसको सिमेट्रिक होता है, नहीं होता। तो अभी क्या दिया क्वेश्चन में, विषम क्या दिया हुआ है विषम दिया है यानी कि इसकी दिया हुआ है, तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा माइनस ए, अगर सममित देते या फिर सिमेट्रिक देते तो हम क्या लेते ए डैश इक्वल टू ए लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अब जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है बी डैश ए बी, बी डैश ए बी हमको ये बताना है कि इसका ये क्या है विषम सममित है या सॉरी प्रूफ करना है विषम सममित, क्या प्रूफ करना है विषम सममित यानी कि इसकी सिमेट्रिक हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो इसका डैश निकालो, क्या निकालो डैश विषम सममित सममित यानी कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं डैश निकालेंगे, डैश निकालो वही लौट के आए तो सिमेट्रिक और वो लौट के ना आए माइनस आए तो इसकी सिमेट्रिक है ना, तो इसका डैश निकालो जो दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे हम डैश, अब डैश निकाल के देखते हैं वही लौट के आता है या माइनस के साथ आता है। चलिए देखते हैं बी डैश एवी, बी डैश एवी क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए तो इसको आप पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, ध्यान सुनना अच्छे से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बस एक स्टेप समझने के, इसको पढ़ना है हमको, इसको पढ़ना है बी, मतलब एक इसको पढ़ना है बी डैश को, फिर इसको पढ़ रहे हैं पूरे ए बी को, तो ए बी का डैश, ए बी का डैश क्या होता है बी डैश ए डैश, बी कौन किसको पढ़ रहे हैं हम, चलो एक बार स्टेप में यहां वापस लिख देता हूं तो आपको समझ में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैंने वापस लिख दिया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको पढ़ रहे हैं ए, इसको पढ़ रहे हैं बी, तो ए बी का डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश, बी किसको पढ़ रहा हूं मैं, बी किसको रीड कर रहा हूं मैं ए बी को, बी में ए बी कर रहा हूं, तो ये ए है और ये बी है, ध्यान सुनना ये फॉर्मूला लगा, ये प्रॉपर्टी लगाई है ना, ए क्वेश्चन के तरह ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, याद है एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ए बी का डैश क्या होता है बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, इसे पढ़ो आप ए, इसे पढ़ो पूरा बी, तो ए बी का डैश बी डैश ए डैश, ए डैश देखो ये ए है और ये क्या है ये पूरा बी है, तो बी का डैश और ए का, ए कौन है ये है ए का डैश, इस प्रॉपर्टी से इसे ए पढ़ रहे हैं इसको बी पढ़ रहे हैं, तो बी का डैश और ए का डैश, तो ए तो ये है ना बी डैश, तो ए का डैश, समझे ना। चलिए फिर लगा लो प्रॉपर्टी,
फिर देखो ए बी का डैश, ए बी डैश मिला जाएगा क्या, बी डैश ए डैश, और डैश का डैश क्या होता है, डैश का डैश हट जाता है, बताया था, पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, कौन सी देखो ये वाली, ए डैश का डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, देन बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा, याद आया, आप डैश निकालो, डैश का फिर डैश निकालो तो क्या लौट के बी को ले जाएगा। चलिए तो बी डैश, अब ए डैश बी, ए डैश बी, अब ए डैश की वैल्यू क्या होता है, ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस बी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर माइनस को बाहर ले लो, यानी कि तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐड कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से। बताओ आपने इसका डैश निकाला, इसका बी डैश ए बी का, और लौटे क्या है, माइनस बी डैश ए बी आ गया, मतलब माइनस के साथ आया है, तो क्या हुआ, बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, बी डैश ए बी क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, बस आ गए, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये बताना है हमने इसको ले लिया, तो इसको पढ़ रहे हैं ए, इसको पढ़ रहे हैं बी, तो ए बी का डैश की प्रॉपर्टी है बी डैश और ए डैश के ए है, ध्यान रखो बस ये ध्यान रखना है, ए ए है और ए बी है, ठीक है, बस बस फिर यहां पर लगा दिया हमने ए बी का डैश बी डैश ए डैश, अब ए डैश क्या है, माइनस सी माइनस मान लीजिए, जब अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा हाथ चेंज करता हूँ, ध्यान सुनना क्वेश्चन थोड़ा हाथ चेंज होकर भी आ जाता है, सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स बी डैश ए डैश विषम सममित नहीं, यहां पर करेंगे सममित, सिर्फ विषम हटा दो और ए बी क्या है, सममित, यानी कि विषम स्क्यू पूछ है, इसको दिया होगा सममित, तो मुझे सममित दिया होगा, ये क्वेश्चन ने चेंज कर दिया, विषम को हटा दिया, यानी कि मैंने स्क्यू को हटा दिया, स्क्यू को हटा दिया, तो अगला क्वेश्चन आपका बन के लिख लीजिए, प्रूव दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित है, यानी कि प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सममित इफ ए इज सममित, तो थोड़ा चेंज करना है, स्क्यू को हटा दो, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए डैश इक्वल टू ए आए तो क्या होता है सममित, मतलब डैश निकालो और कोई चेंज ना आए, इसको हम क्या बोलते हैं, सममित, चलिए पूरा क्वेश्चन बोल देगा ए भी रहेगा, लेकिन ए डैश की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ए रखनी है बस, फ्रॉम इक्वेशन इतना चेंज है बस, ए डैश की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ए, तो ये माइनस हट जाएगा, डैश निकाला वही का वही आ गया तो क्या होगा, सममित, इसकी हटा देंगे विषम, समझ गए बात, ये क्वेश्चन आपका दूसरा वाला सेट है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल लेते हैं, क्वेश्चन है आप लिख लीजिए मैं बोलता हूं, ठीक है, देखिए यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिताव्यूह है, ए तथा बी समान कोटि के सममिताव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए, तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताव्यूह है, ठीक है, ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स ए एंड बी आर द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, है ना, ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममिताव्यूह, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी सिमेट्रिक हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया है, सेम ऑर्डर के हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, सेम ऑर्डर के, तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, और हमको क्या बताना है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो नंबर वाले हैं, सबसे पहले गिवन मतलब कि दिया है,
गिवन क्या है ए एंड बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना सेम ऑर्डर होने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सिमेट्रिक है ना राइट ये अभी तुम ए डस इक्वल टू क्या हुआ ए एंड बी डस इक्वल टू क्या होगा बी सिमेट्रिक बोल दिया भाई ए डस इक्वल टू ए बी डस इक्वल टू बी मतलब ए है लेते हैं लेता हूँ मैं ए तथा बी दो प्रश्न में दिया है कोई दिक्कत नहीं समान कोटि के सममित आबद्ध हैं समान कोटि के सममित आबद्ध हैं क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ठीक है समान कोटि के सम्मिता ठीक है चलिए तो ए डेसिपल टू ए होगा बी डेसिपल टू बी होगा सब बोलते तो माइनस रहता अब हमको जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसको ले लेते हैं नाउ कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ ये गिवन रहता है अगर विषम दिया है स्क्वायर दिया है तो ए डेसिपल टू माइनस ए बी डेसिपल टू माइनस बी और सम्मित दिया है सिमेट्रिक दिया है तो ए डेसिपल टू ए बी डेसिपल टू बी अब जो क्वेश्चन दिया रहता है प्रूव करने के लिए उसको ले लो बस पिछले क्वेश्चन में भी लिया था हमने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाल रहे हैं ठीक है भाई डैश निकालो अगर वही आता है तो सममित सिमेट्रिक और वो नहीं आता तो विषम सममित कितने सिंपल क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन आना है सिर्फ दो नंबर में आना है कितने सिंपल क्वेश्चन है चलिए डैश निकालते हैं अब इसको पूरा आप क्या पढ़ोगे ए पढ़ोगे इसको क्या पढ़ोगे बी तो ए माइनस बी का डैश प्रॉपर्टी क्वेश्चन कर चुके ए माइनस बी का डैश क्या होता है ए डैश माइनस बी डैश यही होता है इसको ए पढ़ो उसको भी पढ़ो ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश ठीक है चलिए मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश याद आया चलिए फिर लगा ए बी का डैश बी डैश ए डैश बी ए का डैश तो भाई इसको आगे कर देंगे इसको पीछे कर देंगे प्रॉपर्टी कौन सी लगी ए बी का डैश इक्वल टू लगाइए हमने बी डैश इंटू ए डैश ये प्रॉपर्टी लगा दी ठीक है अब इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यू बी डैश की वैल्यू क्या है बी ए डैश की वैल्यू क्या है ए माइनस ए डैश वैल्यू क्या है ए बी डैश की क्या है बी मतलब बी ए माइनस ए बी ठीक है माइनस कॉमन ले लो तो पलट जाएगा माइनस ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं तो आप माइनस वाला हो जाएगा प्लस प्लस वाला हो जाएगा माइनस ए बी और बी एक ही नहीं होता मैट्रिक्स में ए बी अलग आता है बी अलग आता है ध्यान रखना कि आप ए बी इंटू बी यही होता है इंटू में ही होता है लेकिन मैट्रिक्स में आंसर अलग अलग आता है ए बी का अलग आता है बी ए का अलग आता है इसलिए हम इसको सेव नहीं कर सकते हाँ बी ए माइनस ए बी ए माइनस कॉमन ले लो माइनस क्या कर लो कॉमन ले लो तो पलट जाएगा माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस आप खुद देखो आपने ए बी माइनस बी ए का डैश निकाला और मा क्या आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया ए बी माइनस बी का डैश निकाला और क्या आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया मतलब क्या क्या हुआ ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे एक ग्रुप बनना था हमको मैट्रिक्स है ना मतलब पता ए बी माइनस बी ए एक विषम सम्मित आपदी है विषम सम्मित आपदी है ठीक है ये यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है ना तो अगली यूनिट हमारी कौन सी आने वाली है डिटरमिनेंट कौन सी आने वाली है डिटरमिनेंट यानी कि 3:30 आयु त्रिपाठी के हिसाब से है ना तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सभी सेट में वैसे तो हाल फिलहाल और तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पूरे क्वेश्चन से बन जाएंगे है ना ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है थैंक यू